नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे थे जो आपके 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो चुके हैं और अब लिंक उन शिक्षक साथियों के लिए खोला गया है जिनका एक या दो प्रशिक्षण किसी कारणवश छूट गया था। वे अपने 20 फरवरी तक अपने प्रशिक्षण को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन निष्ठा कंपिटेंसी टेस्ट होगा। ये टेस्ट मध्य प्रदेश में होगा और इसके साथ साथ अन्य प्रदेश में भी संभावना है कि ये टेस्ट हो, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के कई शिक्षक साथियों से बात की है कंपिटेंसी टेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया है कि जल्द ही 15 फरवरी के बाद कभी भी ये टेस्ट हो सकता है। वहाँ पर काफ़ी तैयारी चल रही है, उनकी तैयारी को देखते हुए लगता है कि ये टेस्ट जल्द ही होगा। और अगर ये टेस्ट मध्य प्रदेश में हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है सभी प्रदेश में लागू होगा। तो इसलिए साथियों, जरूरी है इस टेस्ट की हम अच्छे से तैयारी कर लें, प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की तैयारी करें। अगर कोई निष्ठा का कंपिटेंसी टेस्ट होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से इसमें 60% मार्क्स ले आएँ। तो आज की इस वीडियो में भी हम पार्ट 24 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं पार्ट 23 बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप 1 से लेकर 23 तक के पार्ट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गणित में नई अवधारणा शुरू करने के लिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर किसके द्वारा सीखने का अनुभव देना चाहिए? मूर्त वस्तुओं, खिलौनों, अन्य ठोस सामग्रियां, उपरोक्त सभी। यानी आप गणित में कोई नई अवधारणा अगर सिखाना चाहते हैं बच्चों को तो उन्हें प्राथमिक स्तर पर आप मूर्त वस्तुएं जैसे कि आसपास कंकड़ पत्थर इस तरह की जो उनके सामने नजर आती हों, ऐसी वस्तुओं को मूर्त वस्तु कहते हैं, उनसे अनुभव दे सकते हैं आप, खिलौनों से उनको अनुभव दे सकते हैं और इसके साथ साथ अन्य ठोस सामग्री से भी आप उनको अध्ययन दे सकते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, हम उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का क्रम है ठोस संख्या चित्र, ठोस चित्र संख्या, संख्या चित्र ठोस, चित्र संख्या ठोस। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो गणित सिखाने का क्रम होता है वो ELPS के सिद्धांत पर चलता है। यानी कि सबसे पहले आप ठोस वस्तुओं से बच्चे को एक्सपीरियंस कराएंगे, यानी सबसे पहले ठोस आएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे आपस में और उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे यानी उन्हें चित्र दिखाएंगे और चित्र दिखाने के बाद सबसे बाद सिंबल पे आएंगे, यानी सिंबल का मतलब जो संख्या का सिंबल है वो आप दिखाएंगे। तो इसका सही क्रम होगा ठोस, उसके बाद चित्र और उसके बाद संख्या। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, बच्चों को कक्षा के अंदर व बाहर ऐसी गतिविधियों के अवसर देना चाहिए जिससे वे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ सीखने का संबंध बना सकें, स्कूली जीवन और दैनिक जीवन। गणित सिखाने का हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों से जुड़ सकें, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग कर सकें। तो इसका सही आंसर दैनिक जीवन ही होगा। तो दैनिक जीवन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गणित की भाषा में हम बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करते हैं, संदर्भों और नियमों, उपरोक्त में से कोई नहीं, संकेत और नियमों, संकेतों और संदर्भों। तो जो गणित की भाषा है उसमें सबसे पहले तो हम संकेत का यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम नियमों का उपयोग करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, संकेत और नियमों। तीसरे पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कौन सा स्कूल गणित की दृष्टि कथन नहीं है? नंबर 1, बच्चे महत्वपूर्ण गणित नहीं सीखे, बच्चे अमूर्त का प्रयोग कर सत्यता को लेकर तर्क पर जाएं, बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं और बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। तो गणित स्कूल गणित का कथन कौन सा नहीं है? पहला ही नहीं है, क्योंकि बच्चे महत्वपूर्ण गणित ना सीखे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा
सही होगा। फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ईएलपीएस का विस्तारित रूप है। ईएलपीएस हमारा गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है। ई से हमारा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद लैंग्वेज यूज्ड, हम लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद पिक्चर आता है और उसके बाद सिंबल आता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्लस, पॉइंट्स, पिक्चर और प्रेसाइज प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर पिक्चर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्कूली गणित के दृष्टि कथन है। क्या क्या कथन होते हैं? बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकें। बिल्कुल सही है। बच्चे गणित में भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं, ये भी सही है। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें, ये भी सही है। यानी इसके तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों से गणित की पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं हैं। 3 अंकों तक की संख्याओं पर जोड़, घटाओ, गुणा और भाग करना, दैनिक जीवन के संदर्भ और गिनती विचारों से संबंधित स्थापित करें, गिनती और संख्या प्रणाली को समझें। तो बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन हमारे इसमें भी सही हैं, यानी इसमें भी हमारा उपरोक्त सभी कथन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर बच्चों से गणित की पाठ्यचर्या की अपेक्षा नहीं है। नंबर 1, दैनिक जीवन में संख्याओं पर संक्रियाएं। नंबर 2, आकारों एवं आकृतियों को समझना। नंबर 3, 3 अंक तक की संख्या पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर पाना। और नंबर 4, आकृति और संख्याओं के सरल पैटर्न की पहचान नहीं कर पाना। तो इसका मतलब नहीं वाला तो हमारा ऑप्शन गलत होगा, तो इसका आंसर 4th ही होगा। 4th पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा गणित के साथ भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन का समेकन हो सकता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णतः सत्य है यह कथन कि गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो साथियों, इस तरह से 10 प्रश्न हमारे आज हुए। हमारे कुल मिलाकर 24 पार्ट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से मॉड्यूल 18 तक आपको लेके जाऊं, जिससे कि अगर ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित है कि वहां पर टेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त अगर अन्य प्रदेश में भी ये टेस्ट होता है तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इसलिए मैं 10 प्रश्न आप प्रत्येक दिन आपके लिए बनाता हूं और आप उनको ध्यान से देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 60% मार्क्स लाने में। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।